मसाला है जो हमने राजमा वाला पीसा था। आज हम बनाएंगे बची हुई सब्जी के पराठे। राजमे की सब्जी हमारी बच गई थी, हमने सुबह राजमे की सब्जी बनाई थी, वो बच गई, तो अभी हम शाम को इसके पराठे बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं राजमे के पराठे। इसके लिए इस सब्जी को सबसे पहले हम पीस लेते हैं मिक्सी में। इतने प्यारे तरीके से हमने इसको थोड़ा दरदरा पीस लिया है राजमे को। राजमे की जो सब्जी हमारी लेफ्ट ओवर बच गई थी उस सब्जी को हमने पीस लिया है। ऐसे करके पूरी सब्जी को हम पीस लेंगे मिक्सी के अंदर, और जब ये पीस चुकी होगी इसके बाद हम इसको वापस गैस पे चढ़ा के लो फ्लेम में हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से टाइट हो जाए। इसके बाद हम इसमें से थोड़ी सी मिर्ची ऐड करते हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने इसको पीसा ना इसलिए इसकी मिर्ची थोड़ी कम हो गई होगी टेस्ट में, तो हम इसको थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और नमक। और जब ये सब चीज़ें हम इसमें अच्छे से मिला देंगे ना, तो गाइस इसका टेस्ट और दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल स्पाइसी सा टेस्ट हो जाएगा इसका। और जब इस सब्ज़ी को इस तरीके से हमने कर लिया है तो इसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया है ना, आप अभी भी आप इसको टेस्ट करके खा सकते हो। इसमें से हमने थोड़ा सा जीरा डाला है और हल्का सा इसमें डाला है हमने ऑयल, और ये सब कुछ करने के बाद इसका टेस्ट जब डबल हो गया तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा, अभी देखो इसका कलर थोड़ा वाइट वाइट सा आ रहा है, जब ये सब मिक्स हो जाएंगे तो देखो कलर इसका। अभी हमारा पराठे का मसाला बन के रेडी हो चुका है लगभग लगभग, थोड़ी देर और हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छे से टाइट नहीं हो जाता। जैसे कि हम आलू का पराठा बनाते हैं तो उसका मसाला हम टाइट रखते हैं, उसी तरीके से जब तक ये टाइट नहीं हो जाता जब तक हम इसको हिलाते रहेंगे, वरना ये चिपक जाएगा। और ये देखो इधर हमारा सलाद रेडी हो चुका है, खीरा ककड़ी टमाटर और दो प्याज, प्याज को जब खाएंगे जब काट लेंगे हम लोग। और इधर हमारा लगभग मसाला भी रेडी हो चुका है, ये देखो अभी ये थोड़ा कढ़ाई से चिपकने लगा है, अब ये अच्छा टाइट भी हो चुका है। अब हम पहले आटे का डो तैयार कर लेंगे, हम आटा गूंद लेंगे और उसके बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो इधर हमारा आटा गूंदना स्टार्ट हो चुका है, और जब ये आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंद चुका होगा तो हम फिर इसका बनाएंगे पराठा। इधर मसाला रेडी हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है, गैस हमने बंद कर दिया है, तो आटा रेडी एंड मसाला रेडी, और अब हम पराठा सेकना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पराठा सिकना स्टार्ट हो चुका है और ये सिक भी गया है, देखो कितना अच्छा पराठा सिका है हमारा, कितना अच्छा लग रहा है, सेम जैसे आलू का लगता है वैसा लग रहा है, बट इसका पराठा बिल्कुल आपको कचौरी की तरीके का टेस्ट आएगा, कचौरी वाला टेस्ट आएगा। देखो ये पराठा बिल्कुल कितना नरम और कितना अच्छा सिका है, और हम चलो इसको खाते हैं सॉस के साथ। गाइस ये बहुत से भी बहुत टेस्टी है। धीरेज आप बताओ कैसा लगा इसका वीडियो, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, बहुत टेस्टी लगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आप सब भी राजमे का पराठा बनाएंगे और खाएंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कैसा लगा।